ये सभी आदतें हैं, व्यक्ति बैठे हुए हैं, मेहमानगण और हमारी सारी का काले बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। मलिक साहब, मैं चाहूंगा जितने हमारे अभी जो मीडिया वाले हैं पहले, क्योंकि वो एक एक करके निकलते जा रहे हैं, पहले उनसे हम अगर उनकी राय ले लें, उनके सवाल लें। अभी अमित जी जा चुके हैं, मैं उनको वापस लाता हूँ। ये फजल मलिक सर इमाम साहब हैं, एक बार उनसे हम सवाल ले लेते हैं। फजल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज हमारे जो मेहमान हैं उनसे सवाल कर लीजिए। पहले तो सर मैं सारिता जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और जिस डिस्ट्रिक्ट से वो हैं, मैं सुना है गुलाब जामुन बड़े मशहूर हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिठास जो है केवल उनके क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और बर्दिया पूरी शिद्दत की तरह मतलब मेहनत की है। मैं सारिका जी से जानना चाहता हूँ कि क्योंकि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, वहाँ पर खो खो के अलावा कबड्डी भी है, हॉकी भी है, और भी कई गेम्स हैं, तो उन्होंने खो खो को ही क्यों चुना, इस गेम को ही क्यों चुना? देखा जाए तो मेरे गांव का बहुत प्रसिद्ध खेल है, और मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही कि हमारा एक गेम ऐसा है कि मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही कि हमारा गेम ही खो खो गेम ही ऐसा है कि वो हर खिलाड़ी वो खेल नहीं सकता। देखा जाए तो खो खो प्लेयर है, हर गेम खेल सकता है, खो खो ये खेल कोई नहीं खेल सकता। देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है, जो हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है वो खो खो के बहुत अच्छा प्लेयर, वो खो खो खेल चुके हैं, वो अभी क्रिकेट खेल रहे। मुझे बहुत खेलने में बहुत खुशी हो रही कि मैं खो खो से जुड़ी हुई हूँ और मैं खो खो खेल रही हूँ, अभी मुझे खेलने में बहुत प्राउड फील हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है सारिका जी। मैं एक सवाल और जरूर पूछूंगा कि आपको किस समय ये लगा कि मैं और आगे मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अभी कुछ कमी है? क्योंकि खिलाड़ी के तौर पर हर खिलाड़ी ये सोचता है कि अब थोड़ा रहता है, मुझे और ज़्यादा करना है, तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा रहा आपको लगा हो कि अब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई ऐसा समय? देखा जाए तो मैं खो खो स्टार्ट 2005-06 से स्टार्ट किया था, तो खेलते खेलते मैं नेशनल खेलने लगी, और मुझे मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी भी थे और मेरे सीनियर्स भी थे, उनकी प्रेरणा से मैं खो खो खेलने के लिए स्टार्ट किया, और उनकी प्रेरणा से वजह से मैं अलग अलग नेशनल खेलती गई, अलग अलग तरीके के मुझे अनुभव आने लगे उसमें, और जब मेरा इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ और मुझे फर्स्ट अचीवमेंट ये मिली कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके मुझे कैप्टनशिप मिली और वहाँ पे गोल्ड मिला, ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। मुबारकबाद देना चाहते हैं एक बार फिर कि आप और आगे जाएं और देश का नाम रोशन करें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। फजल भाई, अब आप अपना सवाल करें। मलिक जी प्लीज, फजल जी का अनम्यूट कर दीजिए माइक। मीन का पत्थर तय किया और आगे वह जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं और तमाम लोगों की। मेरा दो सवाल है, एक तो ये उन्होंने कहा बाकी वक्त में कि एशियाई लेवल पे इस खेल की मान्यता मिल गई है, तो अब वो इस खेल को किस तरह से आगे ले जाएंगे? और दूसरा सवाल ये है कि वो जिस टीम की बात कर रहे हैं वो कब तक टाली गई, आप कब से नहीं फिर किस तरह से शेड्यूल उसका करेंगे? सुधांशु जी से सवाल है मेरा। हेलो, हाँ, आई एम सॉरी, जरा सा वो किरण जी जी जो यहाँ सा कोऑर्डिनेट हो रहा है, क्योंकि वो भी उनका हम धन्यवाद भी देंगे और वो सारे का स्वागत भी करेंगे, तो उसलिए हो रहा था। अब जरा प्रश्न दोबारा करें तो अच्छा होगा। सुधांशु जी, जो एक तो ये है कि आपने कहा था कि एशियाई खेलों को लेके कि अब एशियाई लेवल पे इसको मान्यता मिल गई है खो खो को, तो ये इसके लिए भी आपको आप तमाम लोगों को बधाई। इसे आप किस लेवल पे आप किस तरह से लेके जाएंगे, आप क्या आप लोगों की योजना है भविष्य को लेके, क्योंकि
देश में अभी भी खो खो या खो खो जैसे दूसरे खेल अभी भी अछूत की तरह ही व्यवहार किया जाता है। ठीक है कि आपने अर्जुन अवार्ड एक मिल गया, लेकिन देश के पैमाने पर अगर देखा जाए तो खेल मंत्रालय हो या खेल संगठन हो या खो खो फेडरेशन को ही बहुत ज्यादा अब लोग उस तरह से तवज्जो नहीं देते रहे। जाहिर है कि आपके लिए चुनौतियां हैं कि एशियाई लेवल पर एक खेल को एक मान्यता मिली। एक तो यह है कि इसे किस तरह से आगे ले जाएंगे, क्योंकि देश में टैलेंट की कमी नहीं है, खो खो खेलने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन यह है कि इसे किस तरह से ग्रूम करेंगे आप, एक। और दूसरा ये कि जो लीग आपकी अभी स्थगित की है आपने, वो लीग अब कब तक प्रस्तावित होगी, ताकि जो उससे नए लड़कों को जो मोटिवेशन मिलेगा उस लीग से भी मुझे लगता है कि मोटिवेशन मिलेगा, तो वो लीग कब तक शुरू करने की योजना भविष्य में है। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चुनौतियां हैं, हाँ चुनौतियां हैं, और क्योंकि चुनौतियां हैं इसमें संभावनाएं, अपार संभावनाएं। ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया ने इसको एशियाई खेल का दर्जा दे दिया है, यह अब डेमोन्स्ट्रेशन गेम होगा इंडोर गेम्स में, और उसके बाद हमारी ये उम्मीद है कि अगला एशिया जो है उसके अंदर ये प्रतिस्पर्धा के रूप में इसको शामिल किया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए और इस खेल के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम होगा, क्योंकि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक लेना किसी भी खेल के लिए एक स्वप्न होता है, और वैसा स्वप्न हम साकार करेंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। एक दूसरी बात यह है कि एक कदम जो फेडरेशन ने उठाया है वो ये पेंडेमिक की वजह से थोड़ा रुक गया, नहीं तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेयर्स, इसका एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने फैसला करा है करने का, ताकि देश भर में लाखों खिलाड़ियों को, खो खो खेलने वालों को हम रजिस्टर कर सकें। इससे ये फायदा हो जाएगा कि गांव के स्तर पर, तहसील के स्तर पर खिलाड़ी और प्रतिभाएं, उनकी पहचान हो पाएगी, और उसके बाद उनका प्रोत्साहन हो पाएगा, और उनसे चुनाव करके हम स्तर के रूप में खो खो को एक बड़ा ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। लीग अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा खो खो की प्रसिद्धि के लिए, उसकी उसके पहचान के लिए और उसकी मान्यता के लिए। उस लीग में अभी तक जो कल्पना है वो टेक्नोलॉजी के स्तर पर कोई भी हिंदुस्तान में जो लीगें चल रही है उससे आगे होगी, उसमें अलग अलग सेंसर्स लगाने का व्यवस्था है, उसकी जो ग्राफिक्स है जानकारी के स्तरों पर बहुत अत्यधिक आधुनिक स्तर पर वो करा जाए। अब लीग के दिन कौन से होंगे इसलिए करना मुश्किल है कि जब तक स्थितियां सामान्य ना हो जाए तब तक किसी भी तारीख को चुनना शायद बहुत अकलमंदी नहीं होगी। इस वजह से हम लोगों ने अभी तारीख तय नहीं करी है, लेकिन जल्दी वो तारीख तय हो जाएगी जैसे ही स्थितियां थोड़ी सामान्य होंगी। मैंने कहा कि इस समय इस अवार्ड मिलने के बाद निचले स्तर तक एक बड़ा संदेश गया है कि एक बहुत ही मजबूत इरादे के साथ खो खो को आगे ले जाने का प्रयत्न अब चल रहा है। इसका मैं श्रेय जितना सारिका जैसे खिलाड़ियों को देना चाहूंगा, जो कि अपने आप में समय के साथ आइकन बन जाएंगे, लोगों की आकांक्षाओं का केंद्र बन जाएंगी, महिलाओं की, बच्चों की, बच्चे पुरुषों की भी, कि जो इन्होंने उपलब्धियां हासिल करी है वैसी उपलब्धियां हम भी करें, ऐसा केंद्र बन जाएंगी। इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे राजीव मेहता जी बैठे हुए हैं, जो कि हम सबके संरक्षक भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, हिंदुस्तान खो खो हिंदुस्तान ओलंपिक संघ के महासचिव भी हैं। खेलों के लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर रखा है। कोई ऐसा खेल नहीं है जिसको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात उन्होंने चिंता नहीं करी, और उनके और रानी तिवारी जी आज नहीं है, लेकिन रानी तिवारी जी के अथक प्रयत्नों से इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई कि एशिया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इसको खेल की तरह मान्यता दी। बहुत बड़ी उपलब्धि,
और इनका जो उसके खोखो के प्रति जो इनका समर्पण है उसकी वजह से संभव बना। तो कुल मिला के जब ये परिस्थितियाँ जहाँ पे एक से एक मैं इनके कोच को खास तौर से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हर खिलाड़ी जब बनता है तो उसके पीछे एक प्रेरणा स्रोत जरूर होता है, एक वो परखी होता है जो उस हीरे को पहचानता है और उसको तराशता है। जिस तरह इन्होंने उसको तराशा वो काबिल तारीफ है और हम सबके लिए ना केवल एक उदाहरण है, हम सबके लिए एक आदर्श है। ऐसे आदर्श कोच खो खो में है, इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ और तालियों से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र से आज गोपाल शर्मा जी भी आए हुए हैं जो कि सचिव है महाराष्ट्र के खो खो एसोसिएशन के। गोविंद शर्मा जी, एक अंग्रेजी की कहावत होती है स्किप ऑफ टंग इज नो फॉल्ट ऑफ द ब्रेन। तो गोविंद जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनके प्रदेश की एक स्टार को आज राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और उपलब्धि बड़ी हुई, उसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन और आभार। थोड़ा सा कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, पहले 4 बजे का था लेकिन किरण रिजिजू जी के यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने निवेदन करा कि 4:25 तक वो ज्वाइन कर पाएंगे, तो हम लोग आपस में बात करते रहेंगे क्योंकि विभिन्न राज्यों से बहुत लोग आए हैं, वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे। अभी 10 मिनट में सारिका जी, राजीव जी, सूर्या जी, ये लोग सब लोग जो हैं जरा किरण जी के पास जाएंगे, वहाँ पे हम उनको शॉल अपनी तरफ से देंगे, उनका धन्यवाद देंगे कि खो खो के प्रति उन्होंने इतना बड़ा एक एहसान करा है खो खो के खिलाड़ियों पे और खो खो की पूरी बिरादरी पे, उसका उनको धन्यवाद देंगे। उनसे सारिका का स्वागत करवाएंगे, ये सारी चीज़ें लाइव जूम के माध्यम से आप सब देख पाएंगे। और तब तक जो है थोड़ी आपस में चर्चा करी जाए, किसी के कोई चुनाव सुझाव हो, सारिका को कोई बधाई देना चाहता हो, सब लोग करें। और 4:30 बजे जो है वो 4:25 में किरण जी जो है हमें ज्वाइन करेंगे। चाहूँगा मैं राजीव जी से कहूँगा कि ना उसका बोले जाओ चलिए जा भी कराइए, सुबह तुम भी आओ इधर, सूर्य जी आइए। विजय और पराजय सफलता और असफलता के मध्य ढूंढता रहता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा है ना, तो जब आप सफल होते हैं स्वागत और बहुत अभिनंदन। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जो है सर्वोपरि होता है, उनका सम्मान करके हमें बहुत खुशी मिल रही है। आज मैं सूर्य जी से कहूंगा कि जरा मिठाई खिला के उनका स्वागत करेंगे। अच्छा कह रही हूँ अभी मिनिस्टर में ज्वाइन होंगे, एक और है खासतौर से हमारे खो खो के लिए वेबसाइट चलाते हैं, राहुल उनका नाम है। मैं राहुल आपसे अनुरोध करूंगा अगर आप हैं पैनल पे तो प्लीज़ पहले तो अपना जो वीडियो है वो ऑन कर लीजिए और अपना सवाल आप सर से कर सकते हैं। राहुल जी यस प्लीज़ इनको खो न्यूज़ बहुत धन्यवाद। मलिक साहब अभी तक ये खोखो न्यूज के नाम से है वो पैनल वो हो गया, प्लीज डाउट करिए।
हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू सर हमें अलाउ करने के लिए पूछने के लिए क्वेश्चन। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं चलाता हूं चैनल और हमारा ग्रुप भी है बहुत बड़ा, उसमें 35,000 के आसपास हमारे खोखो लवर्स और प्लेयर्स उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा आपसे पूछना कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो लोग तैयारी कर रेगुलरली, वो अपना तैयारी का वीडियो और फोटो डालते रहते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। वैसे सर मेरे पास खुशबू जी का मैसेज है जिन्होंने ज्वाइन किया था लेकिन वो चले गए, और वैसे उसका जवाब आपने दे दिया, पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जानना चाह रही ये सर पीपीएन से है, ये जानना चाह रही थी कि सर लड़कियों के लिए खास तौर से खोखो में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वो इस खेल में और आ सके। जैसे बताया हमारी एक महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को बराबरी का मिलता है, हमने कोई महिलाओं को कम और पुरुषों को ज्यादा ऐसा कुछ नहीं रखा। एक बार जहां तक सहूलियत का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, ख्याल करने का सवाल है महिला खिलाड़ी और बच्चियों के लिए, तो खास तौर पे हमारा ध्यान रहता है उनकी सुविधाएं अच्छी हो, रिजर्वेशन ढंग से हो, जाने आने में कोई तकलीफ ना हो, एक परिवार की तरह उनकी चिंता करी जाती है। और जैसा मैंने कहा सारिका को अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जो लड़कियां हैं और महिला खिलाड़ी हैं उनको इस खेल के प्रति आकर्षण और होने वाला है। लीग में अभी तो महिलाओं की लीग नहीं है, अभी तो पुरुषों की लीग है, लेकिन उसी लीग के अंदर एक्सपेरिमेंटल लीग में महिलाओं का भी प्रदर्शन होगा और मिक्स लीग का भी प्रदर्शन होगा, ताकि महिलाओं का और मिक्स दोनों होंगे तो महिलाओं की भागीदारी इसमें पूर्ण रूप से हो जाएगी। सर ये और इनका सवाल ये है कि स्कूल के लेवल पर, क्योंकि कोई भी खेल जब तक स्कूल में पॉपुलर नहीं होता तब तक उसका कोई स्तर नहीं आंका जा सकता, तो स्कूल के स्तर पर आप क्या कुछ कर रहे हैं? इसकी एक बड़ी कल्पना है। देखिए स्कूली स्तर पर प्रतिस्पर्धा जब होती है, चैंपियनशिप होती है, टूर्नामेंट होते हैं, तब खिलाड़ियों को उसमें एनकरेजमेंट मिलता है। तो हम लोग जो है स्कूल लीग भी चालू करेंगे, स्टेटों की स्कूल लीग अलग से करेंगे, अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं करवाएंगे। आप लोग जान के खुशी होगी कि हर फेडरेशन
जब कोई नेशनल स्तर का या राज्य के स्तर का कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें उसकी फीस देता है। हम लोगों ने उल्टी व्यवस्था करी है, ना केवल वो निःशुल्क है, हम उसमें आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए। तो इसके ये सारी चीजें स्कूल, तहसील, गांव, जिला, इस स्तर पर खेल व्यापक तौर से खेला जाए। दूसरा जो मैंने कहा, एक बार खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया जो प्रक्रिया है उसने जोर पकड़ा, तो फिर हम जो है स्कूली बच्चों में प्रतिभा ढूंढ के उनको खड़ा करना चाहेंगे, ताकि अगले कुछ सालों में स्कूली स्तर पर ये खेल बड़ा चर्चित हो जाए, बड़ा प्रचारित हो जाए और वहां के प्रतिभावान खिलाड़ी जो हैं वो ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको हम खेलने का मौका देंगे। इनका सवाल ये है कि स्कॉलरशिप जो है उसका क्या कुछ क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप लोग स्कॉलरशिप देते हैं या नहीं देते? हम लोगों ने टीमों के स्तर पर और खिलाड़ियों के स्तर पर स्कॉलरशिप की बड़ी व्यवस्था करी। जैसा कि पिछले राष्ट्रीय खेलों में हुआ था शायद कि सेमीफाइनल्स राष्ट्रीय खेलों में था, राष्ट्रीय खेलों में हर टीम खेलो इंडिया में जो टीमें सेमीफाइनल तक पहुंची हर टीम के हर सदस्य को हमने वजीफा बांधा। ऐसे ही अलग अलग टूर्नामेंट में जिनकी जो प्रदर्शन रहा है उसके हिसाब से उनको धनराशि का हमने व्यवस्था करी है। नेशनल चैंपियनशिप में भी हमने 10,000 रुपए दिए थे, पर एक साल तक 10,000 रुपए हर खिलाड़ी को हमने एक साल तक दिए हैं। तो इस तरह से जो जिन खिलाड़ियों ने उत्तीर्ण हुए हैं इस उसमें उनका हमने आर्थिक रूप में उनको सहायता दी है। हमारी सोच में खिलाड़ी के पीछे जो परखी है उसका बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए हर प्रतिस्पर्धा में जो कोच होता है उसको हम लोगों ने जरूर इसमें पुरस्कार दिया है। 21,000 जी सर। सर ये उन्होंने नाम ठीक से नहीं लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट सवाल फिर भी पढ़ देता हूँ। तो जो जी कहना चाह रहे हैं कि सवाल की रिपीटेशन है सर, बेसिकली वही उन्होंने भी स्कॉलरशिप को लेके पूछा कि भाई पास बढ़ाने के लिए उसको स्कॉलरशिप में क्या कुछ मिलती है, वो आपका जवाब आप पहले ही आ चुका है। सर कुछ और आ रहे हैं, मैं उनको शॉर्टलिस्ट करता हूँ। नवीन भाई, अगर और किसी के पास कोई सवाल है तो वो वैसे मानिए हमारे साथ मिनिस्टर साहब जुड़ चुके हैं। किरण जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अरे स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि पूरी की पूरी बिरादरी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, आपके शब्द हम सुनना चाहेंगे। आप जानते हैं कि आपके चलते हमारी पूरी टीम के चलते बड़ा आयाम छुआ है। किरण जी आ गए। अच्छा सुनिए किरण जी, मैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपको तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपके आने के बाद जो हिंदुस्तान के पारंपरिक खेल है उनको एक नया प्रोत्साहन मिला है, एक नया जोश, एक नया विश्वास उनमें पैदा कराया। 22 साल का लंबा कार्यकाल, लंबा समय हुआ जब पिछली बार खो खो में अर्जुन पुरस्कार से किसी को नवाजा था। आज 22 साल बाद आपने पारंपरिक खेलों के प्रति अपना स्नेह दिखाते हुए हमें ये इज्जत दी, इससे नवाजा, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया करना चाहते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि देश भर में खो खो खिलाड़ी इस समय क्या महसूस कर रहे हैं, रोंगटे खड़े हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि इस पल का इंतजार मैंने कहा 22 साल से हम सबको था, और वो पल आज आपने सत्यार्थ करके हम सबको अनुग्रहित कराए, उसका बहुत 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 शुक्रिया। अभी राजीव जी और सारिका जिनको कि आपने अर्जुन अवार्ड दिया है, वो आपके पास दिन में पहुंचने वाली है या पहुंच गई, पता नहीं मुझे, पहुंच गई क्या, पहुंचने वाली है।
आपका हम अभिनंदन करना चाहेंगे उनके मार्फत से शॉल पहना के, आपका शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि आपको कल्पना नहीं हो सकती कि आपने हम पे कितना बड़ा एहसान करा। प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में ये कहा था कि खो खो जो कि हिंदुस्तानी खेल है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन उनको सत्यार्थ करना, उस बात का को सत्यता में परिवर्तन करने का काम आपने जो करा, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। एक मिनट और रुक जाए, राजीव आ जाए। राजीव जी एक मिनट में बस पहुंच रहे हैं आपके पास, तो पहुंच गए। अच्छा वो पहुंच गए अंदर, आ रहे हैं राजीव बाबू। हेलो, हाँ हाँ आप लोग अंदर जाइए ना, वो टीवी पे आ गए। अभी अमित बर्मन जी भी ज्वाइन करेंगे हमें, अमित जी ने कर लिया। अच्छा अमित जी प्लीज यू कैन थैंक द मिनिस्टर। थैंक यू श्री के रिजिजू, I am very very excited about this award and I want to congratulate Starika on the same. It's the form for doing this. I think the Khokho is going to get the next push which we need, and we are very excited about the Khokho League and also getting all more new younger players to win these awards and helping the league and the players out. Thank you so much, sir. राहुल उनका नाम है, मैं राहुल आपसे अनुरोध करूंगा अगर आप हैं पैनल पे तो प्लीज पहले तो अपना जो वीडियो है वो ऑन कर लीजिए और अपना सवाल आप सर से कर सकते हैं। राहुल जी यस प्लीज इनको ओपन न्यूज। मलिक साहब अभी तक ये खोखो न्यूज के नाम से है वो पैनल, वो हो गया। प्लीज राहुल हेलो। थैंक यू सर हमें अलाउ करने के लिए पूछने के लिए क्वेश्चन। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं चलाता हूं चैनल और हमारा ग्रुप भी है बहुत बड़ा, उसमें 35,000 के आसपास हमारे खोखो लवर्स और प्लेयर्स उससे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा आपसे पूछना कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं रेगुलरली, वो अपना तैयारी का वीडियो और फोटो डालते रहते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।